इन्होंने जो बोला कि बीडी राम जी 10 साल से सांसद है तो उन्होंने यहाँ के लिए क्या किया जी? ये इनका आंख पर विकास का चश्मा नहीं है, तीन का चश्मा लगा हुआ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले। आप जो आप मन में जो चश्मा उतार कर देखे हैं, आपने कभी रूबी पहाड़िया के दर्द को समझा है? आपने अंकिता सिंह के दर्द को समझा है? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली यहाँ की राज्य सरकार। अंकिता ब्रिजभूषण सिंह के नाम से उनकी सास ससुर जाती है, उनके बेटा को कैसे टिकट मिला? साथ में जो सांसद है उनके 1000 वीडियो लीक हो रहा है, उनके उनके नाम पर 3 सांस रुक जा रही है। बताइए क्या यूपी में बरकार नहीं हुआ महिलाओं का? रघुवर दास की सरकार में बरकार नहीं हुआ है महिला? बोले रघुवर दास ने मेडिकल कॉलेज दिया, हवाई अड्डा बोले तो 2014 में बंद गया क्या सामने ना? बाजी विधानसभा जो विधायक खुद रेप केस में चार्ज है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और चार्ज शीट खत्म किया गया। इस बात को ये बोली थी नहीं बोली थी? अभी भी अगर बीजेपी छोड़ दिया तो शशि भूषण जेल के अंदर होंगे, रांची हाई कोर्ट में। अब बोलिए इनका जवाब आप दे दिया, इस बात में दम है कि नहीं? देखिए केस तो होता है खत्म, कॉमन सेंस। आप बातें मोदी है तो जीडीपी है भाई, मोदी नहीं है तो जीडीपी नहीं है। ये आपकी दुकान है? हाँ मेरी चाय की दुकान है, दो चाय ले आओ प्लीज। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई। हाँ क्या जीडीपी? जिस देश में मोदी है उस देश तरक्की पता, जीडीपी जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। मैगी बनानी है भैया जी। आप तो गधा पाल लो, सुअर पाल लो, बिल्ली पाल लो, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना कि 2024 में मोदी नहीं आ रहा है। पीछे देखो, एक गधा था, गधे ने बोला घास नीली होती है, बाघ ने कहा पागल है घास हरी होती है, उसे राजा के पास चलते हैं, शेर के पास। गधा गया शेर के पास, ठीक है। गधे ने पूछा कि बताओ भैया घास हरी होती है कि घास नीली होती है? शेर ने कहा बाघ से पूछते हैं, बाघ कहता है कि भाई देखो गधा कहता है कि घास नीली होती है, तो राजा कहता है कि इस बाघ को 50 कोड़े मारे जाएं। गधा बहुत खुश होता है, चला जाता है। शेर बाघ कहता है सरकार वो तो गधा था, आप क्यों कह रहे हो घास नीली होती है? बात तो सही है। इनको गधे घोड़े और घास की पड़ी है। 24 में मोदी आएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, अबे तो वीडियो पूरा बचो है भाई साहब। ऐसे ऐसे अंधभक्तन के मैं वीडियो लाऊं तुम्हारी कसम बना के, तुम कहोगे यार कहाँ से ये अंधभक्त आ जाते हैं। आज इस वीडियो में अंधभक्तों की ऐसी इनकी अंधभक्ति उतारी जाएगी, ऐसी अंधभक्ति उतारी जाएगी कि आप कहोगे वाह भाई मजा आ गया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए वीडियो पूरा देखिए। मुफ्त राशन दे दिया। अरे भैया वो राशन गेहूं का रूखे चबा जाओगे तुम जब सब्जी ना होगी। तो बात तो सही है। अकाम धंधा था नहीं तो कम से कम बैंक में नूता हो, 2-4 हजार रुपया तो गिरवाए। मोदी जी कहते नारी शक्ति को मंगलसूत्र बचाना है तुम मेरे को वोट दो। हाँ भाई के ना होकर रह जा नारी शक्ति, हाँ भाई के ना होकर रह जा नारी शक्ति। चलना पड़ेगा। देखो भैया फिलहाल बीजेपी के साथ वो लोग खड़े हैं जो कोरोना में अपने बाप के लाश के साथ खड़े नहीं हुए। सही बता रहा हूँ आपको, उस टाइम कौन सी सरकार थी भाई? पड़ोसी पड़ोसी के काम आ रहा था, पड़ोस में लाश पड़ी हुई है, कोई झांकने वाले नहीं था। कौन सा मंत्री आया, कौन सा संतरी आया, कौन आया पूछने? पड़ोसी आया भाई, हमको बता पहले पड़ोसी आएगा, ठीक है। अब इनके हिसाब से भाईजान मोदी ने सूरज डुबा दिया, अंधेरा हो गया, चले घर चले। इस घटना के बाद दिल्ली की महिलाएं बीजेपी को वोट देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी, पूरे देश की महिलाएं इनका जो है बहिष्कार करेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह, आपसे जानना चाहूं कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है वो बताइए सर। एमएलए के फुल फॉर्म तो वही होते ना लेबर से जो मंत्री है ना। असंभव असंभव बेचौदा संभव। एमएलए की फुल फॉर्म बता दीजिए। मेंबर ऑफ असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एमएलए का फुल फॉर्म लेजिस्लेशन विधानसभा वाला जो क्षेत्र है ना उसको वही है ना, और क्या है? एमएलए की फुल फॉर्म क्या है सर? मैं समझता हूँ कि फुल फॉर्म ये है कि कई तो होते हैं साक्षर और कई होते हैं शिक्षित। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। इनका तो दावा है कि हम 400 पार करेंगे, लौड़ा पार करेंगे। आप इनको बोलिए। आती है सर सीजीएल की, साल में 2 बार वैकेंसी आती है सर, अभी सीएचएसएल की वैकेंसी आई हुई है, आर्मी 2 बार आती है सर, नेवी का 2 बार साल में आता है सर, एयरफोर्स का साल में 2 बार आता है। जो युवा पढ़ने वाला है सर उसको नौकरी मिलेगी, मैं भी एक युवा हूँ पढ़ रहा हूँ। क्या
जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस। सर इम्तिहान दिए कोई? जी सर। आप कोई इम्तिहान दिया आज? सर यूपी पुलिस का हमने फॉर्म डाला था। क्या हुआ उसको? सर उसका पेपर लीक हुआ। मैं यहाँ अमेठी में हूँ, मोदी जी की प्रचार गाड़ी है, उसके सामने लोग बैठे हुए हैं, मोदी जी का भाषण चल रहा है, फिर भी कह रहे हैं मोदी पसंद नहीं। भैया हम सुन ही नहीं रहे उसको, क्या बोल रहे हैं बोलने दीजिए उनको। क्या मतलब है उससे? जो आदमी सही नहीं बोलेगा उसको सुनने से क्या फायदा? कोई लाभ मिलेगा इनसे? कोई लाभ नहीं है, सिर्फ नुकसान मोदी से। और क्या, टाइम खराब करो अपना, जो है इनका सुनो, चाय पियो, अपने घर जाओ, इनके चक्कर में कहाँ परेशानी। मोदी से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, नुकसान के अलावा कोई लाभ नहीं है। गजब बेइज्जती है कि मोदी हटाओ अभियान चल रहा है, मोदी हटाओ अभियान चल रहा है। और क्या, पूरा हर आदमी के नजर में यही है कि मोदी हटाओ, खत्म। तो देखा दोस्तों किस तरीके से अंधभक्त यहाँ पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, सिर्फ इंडिया में नहीं भैया, विदेशों में भी अंधभक्त फैले पड़े हैं, जो सिर्फ इनको अपने आका ही नजर आते हैं, अपना ही लोग नजर आते हैं इनको, मतलब इनको कुछ मिलना है नहीं है, ना इनको कुछ है, बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार है नहीं है, हर चीज महंगी हो गई है, और जो कुछ भी था वो सब कुछ इनकी भक्ति में ये लुटा चुके हैं, सब कुछ सरकार ने लूट लिया। लेकिन भाई साहब सुधरेंगे नहीं भैया, हमें अंधभक्ति करने हैं, सरकार के हर हाँ में हाँ मिलाने हैं, चाहे कितू बड़ो झूठ बोलो या हमें हाँ में हाँ मिलाने हैं, हर चीज में सरकार की हाँ करने हैं, चाहे कितू डंडा घुसेड़ दो जाए नीचे से लेके ऊपर तक, पूरी पूरे घुसेड़ दो जाए, लेकिन फिर भी इनको सरकार की अंधभक्ति करनी है, हाँ ही हाँ बतानी है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगाओ मुझे कमेंट सेक्शन में यार कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके साथ ही इन अंधभक्तों के यार वीडियो को शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, दिखाओ यार कैसे कैसे अंधभक्त अभी भी पाए जा रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।